Hare
فلم يشهدوا كيتنا قرنا شكنا في دول عاشين سربتوا بمنتم فاشعبي قاندوا مريكشن سمنتا بيتكان لك جودي مكرمين وما كرم وَمَاسْيَ مِشْوَاسْيَ بَرَمْ لِلْعَالَمْ وَمَاسْيَ يَشَاشْ وَفَدَرْ بَدُوْتَ سَنَاكَ نَسْوَمْ قُرْهُ مَتُوْمِي أَنَا بِمَدْحَانْ جَمَنَنْ شفي سوريا ليتنا أشعامي بامديك هدى شبطن سوبي لزاوي سوبي لن أغنطن جاوك بديو جيب من كرمي بيابتن ويكي نبي شسك سروا إشتاك بوطنبوك ومبيان كبيرا نوكت كيانك جريكم مراتما عميق وانسور شمراء زنبي شجانك
गीता जी का पाठ आठवां अध्याय श्लोक संख्या 21 से अध्याय समाप्ति पर्यंत। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुरमादनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु अव्यक्तोऽक्षरयेत्युत समारो परमाङ्गति यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमामन पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्तनयया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं सतम् यत्र काले पुनावृत्ति मावृत्तिं चैव योगिना यान्ति तं कालं पश्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल शन्वासा उत्तरायणम् तत्र
प्रयात गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रे तथा कृष्ण सन्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते शुक्ल कृष्णे गतिहेते जगत शाश्वते मते एकयात्यना वृत्ति मन्यया वर्तते पुनः नैते स्थिति पार्थ जानां योगी मोह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुनः वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत्पौण्यभरं प्रदिष्टम् अतीति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति साध्यम् वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत्पौण्यभरं प्रदिष्टम् अतीति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति साध्यम् योगी परं स्थानमुपैति साध्यम् ॐ तत्सत् शिवभगवद्गीतासुपनिषत्सुरङ्गद्यायाङ्गो शास्त्री श्रीकृष्णार्थसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टम वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमार्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे शरण स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2054 30 जून 1997 को गीता भवन स्वर्ग आश्रम में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम।
अपना तो केवल परमात्मा है और अपना नहीं है कोई, शरीर भी अपना नहीं है, प्राण भी अपना नहीं है, मन भी अपना नहीं है, बुद्धि भी अपनी नहीं है, इंद्रिया भी अपनी नहीं है, ये प्रकृति का कार्य है। और अपने स्वयं ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन अनाधिकार से मेरा अंश है और मन श्रेष्ठानी ये प्रकृति स्थान, ये प्रकृति की प्रतिबिंब से रहती है। तो हमारा स्थूल शरीर भी हमारा नहीं है, सूक्ष्म शरीर भी हमारा नहीं है, कारण शरीर भी हमारा नहीं है। जब इंद्रियां प्राण मन शरीर आदि हमारे नहीं है तो कुटुंबी हमारे कैसे हैं, धन हमारा कैसे है, घर हमारा कैसे है, जमीन जायदाद हमारी कैसे है, ये हमारी नहीं है, इनको हमारी मानना है, ये ही बंधन का कारण है। इनका सदुपयोग करने में दोष नहीं है, यथायोग बर्ताव करने में दोष नहीं है, अपना मानना है ये पतन है, अपना है नहीं, ये बेईमानी है, इनको अपना मानना ईमानदारी नहीं है। शरीर को, प्राणों को, मन बुद्धि इंद्रियों को अपने मानना है, ये बिल्कुल अनुचित है, क्योंकि इनकी धातु अलग है, हमारी धातु अलग है, हमारी बनावटी अलग है, इनकी बनावटी अलग है, इनका काम अलग है, हमारा काम अलग है, इनका काम नाश होना है, हमारा काम अविनाशी है, अविनाशी रहना हमारे को, और ये सब विनाशी है, इनका हमारा संबंध कैसा, ये हमारे कैसे हुए, हो भी नहीं सकते। आप बताओ, ये मन बुद्धि इंद्रियां शरीर ये क्या हमारी जाति है, हम जिस तत्व से बने हैं उसी तत्व से ये बने हुए हैं, क्या इनका हमारा तत्व एक है, और क्या ये हमारे साथी है, क्या इनके साथ हम रहेंगे, और ये क्या हमारे साथ रहेंगे, कभी रहने वाले नहीं है। फिर अपना मान का भरोसा करना है, सिवाय धोखे में आने को और क्या मिलेगा बताओ, और क्या मिलेगा, ये साथ रहती सकती है ना, हम इनके साथ रह सकते हैं और ना ये हमारे साथ रह सकते हैं। फिर इनसे संबंध जोड़ना सिवाय अनर्थ के, पतन के, दुख के और क्या मिलेगा, इसे काम लेना अर्थ नहीं है, काम क्या लेना, उपकार सेवा करना दूसरों की, दूसरों की चीज दूसरों को देना, जैसे कोई भिक्षा के लिए आवे तो रोटी उसी की शब्द उसी को दे देना, अपनी समझ नहीं। हमें देख देख ऐसी बात पड़ी है कि जो वस्तु अपनी समझ देता है इसके सवाल कोई पाप ही नहीं है, अपनी समझ देता है तो संबंध जोड़ा ना, अपना पहले अपनी मर्जी संबंध जोड़ा, फिर देता है तो दान के साथ संबंध जोड़ा, इससे पाप क्या होगा,
पाप तो काम ये क्रोध से होता है सभी, तो अपनी मानना ये कामना है, नहीं मिले तो कामना है, मिले तो ममता है, वस्तु अपनी मिले तो ममता है, ममता भी अपने नहीं है, नहीं मिले तो कामना है तो भाई कामना ही है। तो इन चीजों से संबंध जोड़ना है, यही बंधन है। गीता ने एक बात कही, कारण गुण संकोष से सदस्य योनि जन्म सो, ऊंच नीच योनियों में जन्म होने में कारण है गुणों का संग। गुण क्या है? सत्व निर्गुणा प्रकृति संभव, ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। आप स्वयं परमात्मा के अंश है, साक्षात मैं अंश हो जीव लोग, प्रकृति परिवर्तनशील हर समय, और परमात्मा कभी परिवर्तित नहीं होते, कभी बदलते नहीं, वो उसके साहब हो। और ये सब सब है जो निरंतर बदलती है, कभी एक क्षण भी परिवर्तन बिना रहती ही नहीं, चाहे सर्ग हो महासर्ग हो महाप्रलय हो प्रलय हो, चाहे सर्ग हो महासर्ग हो जो प्रलय हो महाप्रलय हो, कभी ये अक्रिय नहीं रहती, क्षण भी जाते से अकर्म करते, कोई भी किसी अवस्था में कभी भी आकर्मी अपना दृष्टि किए नहीं रहता, करते नहीं करते करना पड़ जाता है। तो ये अपनी नहीं है, तो क्यों मिली है? उपयोग के लिए। कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात, कितनी श्रेष्ठ बात है, केवल हमारे कल्याण के लिए मिली है, केवल कल्याण के लिए। इनका उपयोग करो सेवा में, दूसरों के लिए मिली है। जैसे कोई सदावर देने वाला हो, वो सागर प्रकार खिचड़ी सब रख दे, कब तुम दो सब, अब उनको अपना मान कर देना है गलती है, उनको अपना मानना गलती है, वह देने गलती है। ये चीज परमात्मा की, परमात्मा की संसार की जरूरत के लिए दे देना कितनी ईमानदारी है, ईमानदारी से कल्याण है, बेईमानी से बंधन है। ये अपनी नहीं है, उनको अपनी मानना बेईमानी हुई, और अपने लिए उपयोग लगे बेईमानी हुई, मेरे सदापन के लिए है। यही तनु कर फल विशेष भाई है ही नहीं, विशेष सही विषय, इससे सुख लेना ये सुख लेने के लिए है ही नहीं, ये शरीर सुख भोग के लिए है ही नहीं, आज ये सुख भोग के लिए ही है। दशा दुर्दशा होगी, महान दुर्दशा होगी, यदि पशु पक्षियों की नहीं होगी, मनुष्य की होगी, क्यों वो भोगिया नहीं है, वो तो भोग करके ऊंचे उठ रहे हैं, दुख का भोग करने के लिए है वे, स्वर्ग के सुख का भोग के लिए, ऐसे भोगिया नहीं है, भोग कर ऊंचे उठे गए हैं, तो ये तो भोगों से ऊंचे उठ जाएंगे, आप भोगों को तो महान पतन हो जाएगा, बड़ा भारी पतन हो जाएगा, अपने लिए मानना, अपने अपने काम में रहना, बड़ा भारी पतन होगा। इस बात ये अपने नहीं है, और अपने लिए नहीं है, ये परमात्मा के हैं, परमात्मा के लिए, ये संसार के हैं, संसार के लिए, माया का है, माया के लिए, तीनों ही बात है, नहीं बात माया गई तो माया को बिल्कुल अलग हो जाओ, और संसार की संसार की संसार को दे दो उलन हो जाओ, करते रहित तो जाओ, और परमात्मा ही है तो फिर क्या बात है, बड़े प्रेम से आदर से परमात्मा के नाते सब विषयों में लगा दो, भगवान के नाते लगो, भगवान के अर्पण कर दो, ईमानदारी हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, संसार के लिए शांति मिल जाएगी, अपने लिए तो मुक्ति मिल जाएगी, और भगवान के लिए भक्ति मिल जाएगी, मुफ्त में, अपनी चीज है ही नहीं, अपनी चीज नहीं है, उपयोग करने से संसार की मान संसार देकर शांति मिल जाएगी, और माया की है प्रकृति की है, अपने नहीं प्रकृति से मुक्ति मिल जाएगी, मुक्ति, और परमात्मा की है परमात्मा से भक्ति मिल जाएगी, शांति मुक्ति और भक्ति मिलेगी, नहीं तो अनुरुक्ति आसक्ति से फिर नरक ही नरक मिलेगा, पतन पतन होगा,
मौका है अभी, ऐसी इसी मौके में अगर ये काम नहीं किया तो और जगह ऐसा मौका है नहीं, देवजोनी में भी ऐसा मौका नहीं है, पशु पक्षी आदि में भी ये मौका नहीं है, ना देव योनि में नीच योनि में राक्षस है असुर है पिशाच है में जलचर है थलचर है नभचर है, किसी जगह ऐसा अवसर नहीं है, ऐसा अवसर अभी है, इसी अवसर में है। और ये सब चला जाएगा, फूंक निकल जाएगी, फिर दुख होगी, पता नहीं है किस क्षण जाना पड़ेगा, अचानक मारे काला अचानक चपेट थी वो ये घड़ी की में राख गिर गई, तुम ये नहीं समझते, अपनी नहीं मान भगवान की मान है, अभी 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 इनके देरी काम नहीं है, इसमें अभ्यास नहीं है, इसमें देरी का काम नहीं है, अभ्यास नहीं करना पड़ेगा, देरी की जरूरत नहीं है, अभी इसी क्षण ही तीनों शरीर अपने नहीं है और अपने लिए नहीं है, बस तीनों बात मानो, ये अपने नहीं है अपने लिए नहीं है, बिल्कुल संसार के हैं संसार के लिए है, प्रकृति है प्रकृति के लिए है, प्रभु के हैं प्रभु के लिए है, ये तीनों योग है, कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग, तो प्रभु के नाते प्रभु के लिए प्रभु की जनता के, उनके लिए हमारे लिए है ही नहीं, अब इनके हम करें उपयोग मान बढ़ाई, अब आदर चाहे हम सुख चाहे भोग चाहे लोग वाह वाह के चाहे, इन्होंने बड़ा उपदेश दिया बड़ा अच्छा कर्म किया हमारे को निहाल कर दिए राजी हो गए, बेईमानी शिवाय बेईमानी कुछ नहीं है, खूब विचार करो कि हमारी जो योग्यता है वो योग्यता अयोग्य के लिए है योग्य के लिए है, हमारी पढ़ाई हमारे से अधिक पढ़ने वालों पढ़ाई वालों के लिए है, हमारे समान पढ़ाई वालों के लिए है, कम पढ़ाई वालों के लिए है, हमारी कोई चीज है अभाव वालों के लिए है, हमारे लिए नहीं है, उन सेवा के लिए ही मिली है, हमारा बल है कि हमारे से बलवान के लिए बल काम आएगा, क्या समान बलवान बल काम आएगा, निर्बल के बल आएगा, सुने मैंने निर्बल के बल राम, तो आपका बल निर्बल का है, आपका नहीं खुद का नहीं है, अरे खुद के लिए नहीं है, ये शरीर आपका नहीं है आपके लिए नहीं है दूसरों के लिए है, मनुष्य मात्र को जो चीज मिली है अपने सुख के भोग के लिए बिल्कुल नहीं है, केवल दूसरों को सेवा के लिए दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए दूसरों का हित करने के लिए सेवा के लिए मिल रहा है, एकदम सच्ची बात है, एकदम पक्की बात है, इसमें कोई शंका की गुंजाइश नहीं है, हमारी वो सोच हमारे साथ रहे, अगर हमारे साथ नहीं रहे वो हमारा कैसे होगा बताओ, हमारा स्वतंत्र आधिपत्य चले तो हमारी हमारा आधिपत्य नहीं चले तो हमारी कैसे, एकदम सच्ची बात है बिल्कुल सच्ची, हमारे साथ थे नहीं पहले और फिर रहेगी नहीं, अबारी रहेगी नहीं, रहने वाली है नहीं, रह सकती नहीं साथ में, केवल अपना कल्याण करने के लिए भगवान ने दिया है कल्याण में उपयोग लाओ न्याय जाओगे, सीधी सरल बात है, अरे अभी मान लो अभी अभी केवल स्वीकार करना है निर्णय, अभ्यास नहीं है इसमें, अभ्यास क्या करो, अभ्यास में तो ध्यान लगाओ, अभ्यास करो बार बार चिंतन करो वो अभ्यास होता है, अभ्यास में जड़ता की सहायता बिना आप कामयाब हो ही नहीं सकते, अभ्यास तो जड़ता का आदर करने से ही होगा, और त्याग शांति है शांति थी त्याग से, अभ्यास से थोड़ी कल्याण होगा, त्याग किया जो अपनी नहीं है उसको ईमानदारी ना त्याग, अपनी मान कर बेईमानी, अपनी मान कर त्याग करना बेईमानी, और अपनी नहीं मान कर त्याग करना ईमानदारी, अपनी है ही नहीं अपनी क्यों माने भाई, तत्काल कर अभी 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 अभी, अभी अपने अपना मन छोड़ दो, अभी किसी देरी का काम नहीं है, जैसे क्या करेंगे बोलाओ, ये अपना है ही नहीं, अपना अधीन है क्या, क्या हम चाहे दिन सही वो रख सकते हैं, चाहे जितने दिन रख सकते हैं, चाहे जैसा बना सकते हैं, फिर हमारे लक्ष्य ये हमारी चीज नहीं है, मूल में
ये मानना ईमानदारी है, सच्चाई बात है एकदम सच्ची, तो ये हमारी नहीं है और हमारे लिए नहीं है। त्याग हमारे लिए है, ये जो कामना का ममता का वस्तुओं का जो त्याग है वो हमारे लिए है, इनका ममता अपने लिए नहीं है बिल्कुल ही। काल के बहुत बंध में है, कारण गुण संकोष है, सदस्यों ने जन्म शु सदस्य जन्म में राग है, इसका ममता है, वो बंधन का कारण है, उसे जन्म बंध होता है, इनको अपना न माने है ना। किसी से दूसरों का काम, किसी तरह से दूसरों का काम आ जाए, बस आ जाती, अपनी नहीं है, अपने नहीं है, अपने लिए नहीं है। इसमें कोई शंका हो तो बोलो, मैं सर समझा, शंका रहने की जगह नहीं है, संदेह होने की जगह ही नहीं है, एकदम सच्ची बात है। है तो आप पूछो भाई प्रश्न करो, शंका हो सकती नहीं ये कभी, अरे सीधी सरल बात है। पढ़े लिखे हो चाहे बिल्कुल अपढ़ आदमी हो, बेसमझी, वो भी समझ लेगा, और समझदार पढ़े भी समझ लेगा। इसमें एक और दो है ही नहीं, है ही सच्ची एकदम, किस जितने फर्क नहीं है, अरे ईमानदारी बात है। अरे अभी मान लो अभी मुक्ति है, अभी स्वीकार कर लो भी मुक्ति, निर्मो निरहंकार से शांति मत गच्छति, गीता गति निर्ममो निरहंकार से शांति मत गच्छति, निर्ममो निरहंकार, शरीर में मैं परम अहंकार नहीं और सीधे वस्तु ममता नहीं, तो निर्ममो निरहंकार से शांति मत गच्छति, ऐसा ब्रह्म स्थिति, ब्रह्म स्थिति होगी और कहाँ होगी बताओ, प्रकृति के कार्य के साथ संबंध विच्छेद हुआ तो आप स्थिति ब्रह्म में होगी और कहाँ होगी, कोई बताओ आप में से, किसी की ताकत हो बताओ। और इसमें स्थिति होने पर ब्रह्म स्थिति कैसे होगी, स्वरूप में स्थिति कैसे होगी, सरासर बेईमानी है बिल्कुल, कैसे स्थिति भी ईमानदारी नहीं है, अपनी नहीं मानो, निर्मो निरहंकार है शांति बंद की स्थिति, कर्मयोग से ही निर्मो निरहंकार है, भक्तियों से निर्मो निरहंकार है, ज्ञान योग से अहंकार बलन दर्पण काम क्रोध पर निर्मल शांत हो जाएगा। और ममता करने से क्या होगा, सिवाय जन्म मरण के और कुछ हाथ लगेगा नहीं, सिवाय दुख के सुख कोई हाथ चीज लगेगी नहीं, वैम होगा सुख और मिलेगा दुख, मन में शांति मिलेगी, शांति बैम बैम हो जाएगा, मुक्ति होगा, बंधन नया बंधन होता चला जाएगा, बेईमानी आदि मुक्ति कैसे होगी, प्रकृति में पुरुषों से विद्या नदि में भाव होगी, ये एवं मुक्ति पुरुषों प्रकृति से गुणेश सर्वथा वर्तमान हो भी नशा भूयो भी जाए थे, ये एवं मुक्ति पुरुषों क्या उपदेश मंत्राचय भक्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा से देश मन पुरुष पर अस्मिन देह पुरुष पर यमती पुरुषम, जैसे बिल्कुल प्रश्न असंबद्ध समझे, यह यमती पुरुषम, और प्रकृति जो गुणेश है, गुणों के हेतु प्रकृति है और ये पुरुष है, तो सर्वथा वर्तमान हो भी नहीं, सब भूल जाए फिर जन्म होगा ही नहीं, क्योंकि उनका संग नहीं हुआ, जन्म कैसे होगा, यंग यंग वापिस स्मरण बात जानते जिसका स्मरण करता है उसी को प्राप्त होता है, तो स्मरण कैसे करा जो यहाँ पर नहीं है, अपना संबंध ही नहीं है, सीधा अर्थ गीता को। अब छोड़ो रामानंद आनंद सार सिमरिया सरसी काज भावे सिर्फ काल है भावे सिर्फ आज, अभी त्याग करो चाहे कल त्याग करो, चाहे महीने के बाद त्याग करो, चाहे वर्षों में त्याग करो, चाहे धर्मों के बाद करो, अनंत धर्मों के बाद करो, ऐसा अभी करो, ये करना है काम तो फिर अभी करना चाहिए, अभी आज ये आज भी नहीं है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होगी फिर करेगा कब, अभी अभी हृदय में जो बिल्कुल ठीक है, ये व्यक्ति पुरुष हम प्रकृति से गुणेशा क्षेत्र क्षेत्रीय अंतर में ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति में औषधि ज्ञान थे परम इधर शरीर हम कौन थे क्षेत्र
अरे क्षेत्र के विषय भी मांग रही थी। अरे क्षेत्र क्षेत्र और ज्ञान यत्र यही है, क्षेत्र ज्ञान ही मेरा ज्ञान है। क्षेत्र क्षेत्र की ओर ज्ञानम यत्र ज्ञानम मतम मामा मेरे मत में ज्ञान है। क्षेत्र के भगवान, क्षेत्र के तो भगवान के साथ है, अरे क्षेत्र संसार के साथ है, सीधी सीधी बात है। क्षेत्र मात्र संसार के साथ, अरे क्षेत्र भगवान के साथ, एक क्षेत्र की भगवान अगर किया भगवान साथ एकता हो जाएगी, भगवान साथ एकता कर लो एकता हो जाएगी। इतनी सच्ची पक्की सच्ची सो विचारो। अभी 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 हमारा नहीं है, नहीं है फिर दिख जाएगा। अभी नहीं मान लो ये नहीं दिख रहेगा, सच्ची बात दिख नहीं जाएगी। अभी गोविंद गोपाल।